देखो क्वेश्चन तो बेटे ये बहुत सिंपल एक्चुअली, ठीक है। हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से बेस्ड क्वेश्चन है, और मैंने सब बच्चों को कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर पी अपॉन 100। सिंपल ये हमारे पास है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको ये समझना है कि व्हाट इज द लैंग्वेज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ये किससे लिया आपने? मम्मी ने दिया और कहा अब मुझे दे दो। ओके थैंक यू, बट अब आप पैसे को उसको हाथ नहीं लगाएंगे जो भी बाहर से आ रहा है, डोंट टच, ठीक है। जो भी बाहर से उसको आप लोग ना। यस प्लीज, देखो हमारे पास क्या है, मनी लेंडर फाइंड दैट ड्यू टू फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअली क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आएगा कि भाई हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आवाज नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में फॉल आया है, ठीक है, डाउनफॉल है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है। पहले हमारा था 8%, अब हमारा हो गया 7 × 3/4। आप इसको अगर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे, 7 × 4 = 28 एंड 3, ये हो जाएगा 31/4%। ये हमारे पास, ठीक है, 7 × 3/4, 1/4 का आपका डिप हो गया। आपकी क्या हो रहा है, जो एनुअल इनकम है, इनकम यहाँ पे कुछ और नहीं है, इंटरेस्ट है एक्चुअली, सिंपल इंटरेस्ट 1। और जो सिंपल इंटरेस्ट 2 में जो डिफरेंस आया है, ठीक है, एनुअल इनकम डिमिनिश बाय, तो ऑब्वियसली बात है ऐसा ही, 8% वाला ज्यादा होगा, 7.5 वाला जो कम होगा, और कम हो रहा है तो पहला ज्यादा था दूसरा कम है, तो ऐसा ही एस टू आपका हो गया 61.50। आपसे कह रहा है हिज कैपिटल, तो हमारे पास क्या है, दोनों ही केसेस में क्योंकि इंटरेस्ट ही चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पी वन इज पी है और पी टू भी पी है। अच्छा दूसरी चीज इसमें जो दिए है, हिज ईयरली इनकम, तो उसका मतलब जो आप काउंट कर रहे थे वो 1 ईयर पे कर रहे थे, टाइम 1 भी 1 ईयर है और टाइम 2 भी 1 ईयर। तो सिर्फ आपको जो है लैंग्वेज से निकालना था कि है क्या हमारे पास, अदरवाइज तो मैं डायरेक्ट लिख देता SI1 SI2 तो आपका आंसर आ जाता है। ये बेटे हमारे पास है, बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, जी सर, जी सर, क्लियर। तो आप ना बेटे क्वेश्चन में से ना पहले इंफॉर्मेशन लिया करो सब बच्चे। मैंने ये क्वेश्चन बेसिकली इतना ज्यादा लेंथी वेंथी नहीं था, ये तो बस वैसे ही हम लिख देते तब भी हो जाता, बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीखो, क्योंकि जब आप सिंपल इंटरेस्ट, एक्चुअली जब आप एंट्रेंस दे रहे हो ना, तो आपको नॉलेज कितनी सी चाहिए, सिर्फ इतनी सी बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, दैट इज, तो इसीलिए मैं कहता हूँ इट्स नॉट मैथ्स, ठीक है, डेली रूटीन कैलकुलेशंस हैं, तो ये मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आपके जो एंट्रेंस वाले क्वेश्चन है, एग्जाम एंट्रेंस वाले, वो सब आप कर सकते हैं। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की करूंगा बताऊंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, बट होता क्या है कि हम जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेट नहीं करता। अब आप देखो, अगर मैं इसमें से आपसे कहता कि भाई हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास बेटे हो सिर्फ इतना सा रहा था कि मान लीजिए आपका प्रिंसिपल था पी, आपका रेट था 8%, आपका टाइम था 1, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास था पी आर टी अपॉन 100, ये हमारे पास है, माइनस आपके पास प्रिंसिपल है पी, रेट हो गया 31/4, टाइम अभी भी 1 है अपॉन 100, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 61.50, ये हमारे पास, ठीक है सर। तो हमारे पास क्या हो रहा है, सीधा सीधा सा हम इसे डायरेक्ट भी लिखेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए पी हमारे पास है अपॉन 100 हमारे पास है कॉमन, तो आपके पास क्या आएगा बेटे, आपके पास आएगा 8 माइनस, मैं इसे डायरेक्ट भी करूंगा अभी, 31/4 इज इक्वल टू 61.50। तो अगर आप चेक करेंगे बेटे तो आपके पास क्या आएगा, ये समझ में आ गया मैंने कॉमन कैसे लिया है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास क्या होगा बेटे, 8 × 4 = 32, 32 − 31 = 1, तो 1/4, तो आपके पास क्या हो रहा है, पी 1/100 × 1/4 इज इक्वल टू 61.50। तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये डेसिमल हट जाएगा,
फोर से मल्टीप्लाई करना है तो फोर टाइम्स आ जाएगा, तो आपके पास आएगा प्रिंसिपल विल बी 6150 × 4। फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो आना है, 4 5 = 22 भी आना है, 4 1 = 4 2 6 भी आना है, 4 6 = 24 भी आना है, तो 2 4 6 0 0 ये हमारे पास है। कहीं है 2 4 6 0 0? ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, हमें ये कुछ भी नहीं करना था, ठीक है, हमें ये बेसिकली कुछ भी नहीं करना था, हम इसको छोटा सा वैसे भी कर सकते थे अगर आपने समझा तो। क्या समझा वो देख लीजिए, मैं आपको पहले वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपए है, सब बच्चे देख लीजिए जरा, और रेट है मेरा 8% एक साल के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट आएगा 8 रुपए, ठीक है। अगर मेरा प्लीज देख लीजिए प्रिंसिपल यही रहता है, अब मेरा रेट परसेंट हो जाए 6%, टाइम मेरा हो जाए 1, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा 6 रुपीज, ठीक है सर। तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना परसेंट फर्क आया है? 2%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% आया, तो जो हमारे पास इंटरेस्ट में डिफरेंस आ रहा है, इंटरेस्ट में डिफरेंस, तो क्या वो 2% ऑफ प्रिंसिपल है, यस और नो? यस सर। तो सीधा सीधा सा एक्चुअली क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है परसेंटेज, पहले आप कितना परसेंट ले रहे थे, अब कितना परसेंट ले रहे हो, तो जो परसेंटेज में गैप आया है वही फाइनल अमाउंट में गैप आएगा उस प्रिंसिपल का। तो अगर आप यहाँ देखो ना बेटे क्वेश्चन में, ये है 8% और ये है 7 × 3/4%, 7 × 3/4% का मतलब है सिर्फ 1/4% का गैप आया है, यस और नो सब बच्चे बताओ? यस सर। 1/4% जो है आपका कम हुआ है, सब बच्चे बताओ ये हो रहा है नहीं हो रहा है? yes, कितना कम हो रहा है? 1/4। तो इसके कम होने से, 1/4% के कम होने से, 1/4% किसका, प्रिंसिपल के कम होने से आपकी इनकम कम हो गई, कितने परसेंट इनकम कम हो गई, कितना अमाउंट कम हो गई, 61 रुपए 50 पैसे। तो बेटा आंसर तो सिर्फ इतना सा था आपका, बस इतना सा, एक लाइन। सबको समझ में आई बात या नहीं जो मैंने अब लास्ट में कही है? जी सर। तो बेटा आंसर तो इसी से निकल जाएगा कि भाई 1/4% से ही मेरी इनकम कम हुई है, तो 1/4% का मतलब था 1/4% प्रिंसिपल 61.550। तो फाइनली आंसर तो मेरा यही आया था ना लास्ट में जो मैंने लिखा था यहाँ। तो अपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीख लीजिए, उम्मीद ये है इंशाल्लाह फिर एक ही क्वेश्चन से आपकी 10-12 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, अगर एक ही लैंग्वेज आपको समझ में आती है। ये आंसर है बेटे। किसी और के पास कोई और क्वेश्चन? आप लोगों को बस पेपर इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बच्चों के एग्जाम्स हैं नेक्स्ट वीक में, तो उनका कोशिश ये हो बस पेपर से ही पढ़ें, क्योंकि बुक में फिर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखें, जिनके एग्जाम सिर पे हैं वो अब ज्यादा डिटेल में मत जाएं,